हेलो एवरीवन, आई एम जीशान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज संडे है और संडे को मैं ट्यून टाइप वीडियो जैसे कि अपलोड करता हूँ एवरी संडे, बट आज मैं कोई कमेंट्स पिकअप नहीं करूँगा। बट आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक कमेंट्स मुझे बार बार पूछते रहते हैं, जैसा कि अकाउंटेंट बेस के ऊपर कि अकाउंटेंट कैसे बना जाता है। हालांकि जो आज मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, बट जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको डाउट्स है, उनके उनके मन में जो चल रहे हैं कि एक अकाउंटेंट, बेहतर अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। हालांकि मैं अभी ट्वेल्थ में, बहुत लोग ग्रेजुएशन है, बहुत से अलग साइड से हैं, बिकॉज वो कॉमर्स साइड से नहीं है, वो आर्ट साइड, आर्ट साइड एंड साइंस साइड से हैं, बट उनके मन में ये ख्याल आते हैं कि एक बेहतर अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा खास है इफ़ यू आर फ्रेशर, बिकॉज आज पूरा मैं एक बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं और एक बेहतर अकाउंटेंट बन सकते हैं और अकाउंटिंग फील्ड में आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, एंड तक देखिए तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, पास बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी न्यू वीडियोज अपलोड करो सबसे पहले आप देखें, और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल भी करना मत भूलिए फॉर मोटिवेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, एक बेहतर अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं यह सभी के मन में है, बिकॉज जो मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब से एंड ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम से, अगर अभी इंस्टाग्राम से अभी नहीं जुड़े तो प्लीज़ फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे इंस्टाग्राम से, एंड ऑल्सो टेलीग्राम से भी आप मेरे जुड़ सकते हैं, राइट। क्योंकि वहाँ पर भी मैं अपडेट देता रहता हूँ एज अ अकाउंटेंट नॉलेज एंड टैक्सेशन, राइट। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि एक अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं एक इजी बेबी स्टेप लेकर, क्योंकि हम ये सोचते हैं कहीं भी एज अ फ्रेशर कहीं हम जाएं सीखने के लिए और एक दो महीने में सीख के हम एक सीनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं, या फिर उनके माइंड में होता है कि मैं बन सकता हूँ। तो देखिए यार, आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, कोई और चीज़ नहीं बनने जा रहे हैं कि आप एक महीना दे रहे हैं, दो महीना दे रहे हैं, तीन महीना दे रहे हैं, आप सडनली आपको कुछ बड़ा बन जाए अकाउंटिंग फील्ड में, क्योंकि अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन आपको जितना आप समझेंगे उतना ही आपके लिए फायदा है। और ये नहीं कि आप एक दो महीने में आप सीनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप सीख सकते हैं, ऐसी भी बात नहीं है, बट अगर आप बेबी स्टेप को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकते हैं इन फ्यूचर और अच्छे पैसे कमा सकते हैं अकाउंटिंग फील्ड से, राइट। तो हम क्या करते हैं एक अकाउंटेंट बनने के लिए, अभी जो 12th पास है उनके मन में ये थिंकिंग हो रही हो कि मुझे क्या करना है। देखिए, बहुत से मन में ये होता है कि मैं किसी इंस्टीट्यूट से कोई टैली का सॉफ्टवेयर जो आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, मे बी फ्यूचर में भी बहुत पॉपुलर हो, बिकॉज जो क्रेज टैली का है वो शायद ही किसी और सॉफ्टवेयर का हो किसी कंपनी में, अलग अलग जैसे जिस हिसाब से कंपनीज होती है उस हिसाब से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, बट टैली इज़ द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर इन इंडिया, बिकॉज बहुत ही कम समय में वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको वर्क दे देता है, तो इसलिए टैली बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अकाउंटेंट बनने की, तो हम देखें, हम हमारे दिल में हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हम अकाउंटेंट बनने के लिए हमें किसी इंस्टीट्यूट से कुछ सीख लेना चाहिए और हमें अकाउंटेंट, हम अकाउंटेंट बन जाएंगे और कहीं भी वर्क कर सकते हैं। देखिए, अकाउंटेंट बनने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं जानेंगे, तो आप अकाउंटेंट बन नहीं सकते, चाहे आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट से आप सीख ले, राइट। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको तीन जगह पे जाना है, जहां मैं आपको इससे पहले भी सजेस्ट कर चुका हूं कि आपको कहां जाना है, राइट। तो टैली आपको आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक पहला तो मैं जो सजेस्ट करता हूं आपको सीए के पास जाना है, सीए फर्म में वर्क करना है, राइट। सेकेंड मैं आपको सजेस्ट करता हूँ किसी टैक्सेशन लॉयर के पास जाना है, एंड थर्ड किसी सीनियर अकाउंटेंट के पास जाना है, क्योंकि यहीं पर ही आपकी जो प्रैक्टिस है अकाउंटिंग टैक्सेशन की हो सकती है, अदरवाइज कहीं भी नहीं होती। आप किसी इंस्टीट्यूट से आप सीख लेंगे तो वहाँ पे आपको टैली सिखाया जाता है, हालांकि आपको ये नहीं सिखाएंगे कि एक्चुअल में अकाउंटिंग कैसे की जाती है, जो मार्केटिंग में अकाउंटिंग चलती है उसे कैसे करते हैं, वो एक बुक होती है, बुक से पढ़ा देंगे, आपका काम खत्म। अब आप कहाँ जाएंगे, आप किसी ऐसी जगह पे एक अच्छा अकाउंट बनने के लिए जाएंगे जहाँ पे लाइव प्रैक्टिस की जाती है, लाइव किसी की अकाउंटिंग की जाती है। तो यहाँ तीन ही जगह आपको मिलेगा, सीएफएम किसी इंस्टीट्यूट लॉयर के अंदर या किसी सीनियर अकाउंटेंट के अंदर, राइट। ये बेबी स्टेप है।
अब ये सोचेंगे आप कि यहां पर हम जाने से हमें कितने सालों में हम काम सीख सकते हैं, ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, डिपेंड ऑन यू। सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने सालों में काम कर सकते हैं। कोई एक साल में काम सीख जाता है, कोई दो साल में, कोई तीन साल में। बहुत से ऐसे माइंडसेट वाले भी है कि क्या मैं दो महीने में काम सीख सकता हूँ क्या। देखिए मेरे हिसाब से तो यार दो महीने में आपको आप काम नहीं सीख सकते, बट वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं कि टैली चलाना। बट अकाउंटिंग यार थोड़ा डीप है, टैक्सेशन थोड़ा डीप है, तो डीप को समझने में, डीप में जाने के लिए थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं दो महीने वर्क कर रहा हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी लॉयर के अंडर, टैक्सेस सीनियर के अंडर, या फिर किसी सीनियर अकाउंटिंग के अंदर, तो मैं कहीं भी जाके जॉब कर सकता हूँ, ये आपका कॉन्फिडेंस है। मे बी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो, बट ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, राइट? आपको कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, बट ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना लाइफ में कि मैं ये कर लूँगा, मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, राइट? ये ओवर कॉन्फिडेंस, तो ओवर कॉन्फिडेंस को दूर रख के कॉन्फिडेंस में रह कर काम करें। आप जितना वक्त देंगे अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में, आप उतना अच्छा निखरेंगे, आप उतना अच्छा सीख सकते हैं। मैं यहाँ तक खुद मैं अभी मानता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, मैं अभी भी स्टिल लर्नर हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मैं ऐसा अपने आप को अपने आप से बिहेव करता हूँ, लोगों से कहता हूँ मुझे और सिखाओ, मैं और सीखूँगा। तो ये आप मेंटेलिटी लेके चलेंगे तो लाइफ में बहुत आगे आप बढ़ेंगे, राइट? क्योंकि हमें ये लगता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि यार घमंडी टाइप, मुझे बहुत कुछ आता है, ये है वो, ईगो टाइप रहते हैं कि मुझे और सीखने की क्या ज़रूरत है। तो ये लाइफ में कभी नहीं रखिए, हमेशा अपने आप को स्टिल लर्नर समझिए, तो बहुत कुछ आएगा, राइट? और बहुत कुछ सीख जाएंगे जो आपको बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा होगा। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को से ये आंसर देना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मुझे बहुत सारे मिलते हैं और सबका एक साथ कवर करना ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है मेरे लिए। और जो मोस्टली कमेंट्स मुझे आते हैं, ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम पर अब मिलते हैं मुझे, लोग मुझसे पूछते हैं कि अकाउंटेंट में सैलरी बहुत कम मिलती इफ़ यूर फ्रेशर, तो यार फ्रेशर को कौन सैलरी देता है? आपको कुछ आता नहीं है और आपको कोई रख ले अकाउंटेंट एज अकाउंटेंट, तो आप किस काम के हैं, क्योंकि आपको कुछ तो आता है नहीं। बट मैं आपसे ये सजेस्ट जरूर करना चाहता हूँ फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, अगर आपको आप कुछ सीख गए कहीं से, सैलरी की बात कहीं मत कीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको सीखने की इच्छा है, तो आप बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि फ्रेशर कभी पैसों के पीछे नहीं भागता, वो हमेशा स्किल लर्निंग, ये सब चीज़ें अगर आप एक्वायर करेंगे विदाउट फेस मनी, बिना पैसों के अगर ये सब चीज़ों के पीछे भागेंगे, तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होंगे इन फ्यूचर। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सी ए फर्म में, बहुत लोग कहते हैं बहुत कम पैसे मिलते हैं यार, तो फ्रेशर को कौन पैसा देता है? उल्टा पैसा देते हैं वो सी ए फर्म वाले कि आपको थोड़ा सा आपका बेनिफिट हो, क्योंकि आप आए हैं सीखने के लिए, तो कुछ मेरा काम भी कर देते हैं। बट यही चीज़ अगर आप सोचेंगे एक साल दे दिए विदाउट पैसे, यूँ देखें कि मुझे यार पैसा बहुत कम मिलता है, मैं जितना पैसा मिलता है मैं उतना ही काम करूं, देखिए ये बहुत ही बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि आप पैसे के पीछे मत भागिए, आप एक्सीलेंस के पीछे भागिए, स्किल के पीछे भागिए, नॉलेज के पीछे भागिए। अगर आपको अकाउंटेंट बनना है, किसी कंपनी में काम करना है इंडिया में या फिर फॉरेन में, क्योंकि आप जानते हैं अकाउंटेंसी की जो करियर है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि जो जनरेशन आने वाली है वो फुल्ली डिजिटल होने वाली है, और अकाउंटेंट की जो जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा स्कोप होने वाले हैं, और अभी भी है अकाउंटेंट जॉब की स्कोप अभी भी है। बट आपको वो सारी चीज़ें आना चाहिए जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, राइट? क्योंकि हमें लगता है यार हम अकाउंटेंट बन गए बट हमें कहीं जॉब नहीं मिली, बट क्या वो चीज़ आपको आती है जो चीज़ रिक्वायरमेंट है किसी कंपनी का? तो वो चीज़, वो नीड बनो, तभी आपको सक्सेस मिलेगा, तभी आपको जॉब मिलेगा, राइट? तो मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप अगर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आप तीन जगह पे जाके जॉब करें, सीनियर अकाउंटेंट के अंदर जॉब करें, सीए के अंदर, सीए फर्म के अंदर जॉब करें, और किसी टैक्सेशन लॉयर के अंदर जॉब करें, आपको बेहतर अकाउंटेंट बनने की जो आपकी नीड वो फुलफिल हो जाएगी, ये मेरी एक्सपीरियंस कहती है, राइट? और पैसे के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, पैसा ज़रूर आपके पीछे भागेगी, राइट? और एक लास्ट में जो ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, लोग मुझसे पूछते हैं कि
क्या अकाउंटेंट बनने के बाद मुझे अच्छा सैलरी मिलेगा? देखिए, आपको सैलरी के साथ साथ आपके क्लाइंट भी होंगे इन फ्यूचर। अगर आपको बेस्ट अकाउंटेंट बन जाएंगे, आप सारी वो चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, तो आपके पास क्लाइंट भी आएंगे। तो पैसे की चिंता मत कीजिए, आप बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, जितना आप सोच नहीं सकते, अगर आपके पास नॉलेज है। देखिए, कोई भी चीज़ें अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट सोच रहे हैं कि मुझे मिले, तो उस चीज़ में आपको मास्टरी करना होगा। तो आपको मास्टरी करना है अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन में, ताकि आप जॉब के साथ साथ खुद का क्लाइंट भी हैंडल कर सके, जिसके वजह से आपको साइड इनकम हो। अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे स्कोप है पैसे कमाने के, तो इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। बस आप अपने आप को अपग्रेड रखिए, अपडेट रखिए अकाउंटेंट टैक्सेशन में, आप वो सारी चीज़ें सीखिए जो नीड हो, और हमेशा अपने आप को स्टिल लर्नर समझिए, जैसा कि मैं समझता हूँ कि मुझे अभी भी कुछ नहीं आता, अभी मैं और सीखना चाहता हूँ। तो ऐसे ही आप भी सीखिए और आप भी ऐसे ही मोटो लेके चलिए। आई होप सो जो भी आपकी नीड है, जो भी आपका माइंड में चल रहा है, वो सारी चीज़ें फुलफिल हो, राइट? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।